Hey Pips, my name is Rahul Raj and I strongly welcome back to my channel that is Gamma Geek. Okay, so in this video I'll tell you kind of a things that ki any branch to IT sector or CSE sector how and why. ओके बिकॉज बिलीव मी कि अभी जो है विप्रो की इंटरव्यू की सीजन चल रही है और TCS कॉग्निजेंट कोई भी कंपनी की इंटरव्यू होनी होने होगी. यू डोंट नीड टू बी पैनिक. ओके आई एम हेयर फॉर यू. ओके सो अगर ये जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली एप्लीबल है उन लोगों के लिए जो अदर ब्रांचेस से है. लाइक अगर कोई कैंडिडेट सिविल से है या फिर मैकेनिकल से है या फिर आपका ECE से है या फिर EEE से है और वॉट एवर द ब्रांच. ओके नो नीड टू वरी क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसा एक फॉर्मेट बताने वाला हूँ जहाँ पे आप अगर इस सवाल किस तरह के सवाल पूछ पूछ दी गई कि या यू आर फ्रॉम ECE और यू आर फ्रॉम ए सिविल देन वाई आर यू स्विचिंग करियर टू IT सेक्टर और CSE सेक्टर, तो वहाँ पे आप क्या रिप्लाई करेंगे ताकि वो इंटरव्यूअर भी सेटिस्फाइड हो और उसे लगे कि नहीं इनका जो आंसर है वो जेन्युइन है और वो सीरियसली काम करना चाह रहा है. ठीक है मैं आपको प्रॉपर उसका फॉर्मेट बताऊंगा जहाँ पे मैं एक ब्रांच को रेफरेंस लेके बताऊंगा दैट इज ECE और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मॉडिफिकेशन करना है अगर आप किसी दूसरे ब्रांच से हैं तो. ठीक है और बिलीव मी कि मुझे ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल का जो वीडियो वो मुझे विप्रो के इंटरव्यू में मुझसे इंटरव्यूअर ने पूछा था लाइक राहुल वाई आर यू स्विचिंग योर करियर फ्रॉम ECE टू IT सेक्टर. ओके तो मैंने जो फॉर्मेट तैयार कर रखी थी वीडियो की मैंने जो नोट्स बना रखी थी मैंने वही आंसर दिया था और मैं भी आपको अभी एग्जैक्ट वही आंसर वहीं से बताने वाला हूँ. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल इन टू गेट अपडेट फ्रॉम ऑल रिगार्डिंग लाइक दिस. ओके मैं अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को रेफरेंस में लेके बताने वाला हूँ. सो प्लीज़ डोंट जस्ट कॉपी दिस फॉर्मेट बिकॉज यहाँ पे कहाँ पे किस ब्रांच के अकॉर्डिंग व्हाट मॉडिफिकेशन इज नीडेड आई विल टेल यू दैट टू. ओके लाइक पहले मैं ये बताऊँगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है. लाइक ऐसा ये पूछा जा सकता है कि या यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियर देन वाई आर यू स्विचिंग योर करियर टू IT सेक्टर देन वाई यू स्विचिंग हाउ यू स्विचिंग और यू वॉन्ट टू स्विच योर करियर फ्रॉम दिस ब्रांच टू दिस ब्रांच वाई लाइक दैट. तो उसका जो आंसर का फॉर्मेट है वो यही होने वाला है कंटेंट भी यही होने वाला है ऑलमोस्ट. बस यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग दैट कि आपको क्वेश्चन अगर लिटिल बिट घुमा दे तो आपको क्या करना है पैनिक नहीं करना है. ठीक है यहाँ पहले ये बोलना है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से हैं तो आप क्या करते हो, आप कंप्लीट फंक्शनलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को समझते हो. ओके तो आप ये भी बोल सकते हो अगर आप सिविल हो तो कह सकते हो कि बिंग एन सिविल इंजीनियर आई अंडरस्टैंड द कंप्लीट फंक्शनलिटी ऑफ माई सिविल डिवाइसेज या सिविल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है या मैकेनिकल की मैन्युफैक्चरिंग होती है काइंड ऑफ दैट. बट आई एम वेरी मच ईगर टू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. गाइज यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अभी जितनी भी डिवाइसेस है चाहे वो मैकेनिकल की हो चाहे सिविल की हो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो EEE की हो कुछ भी डिवाइस हो वो सारी चीज़ों पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है. इधर VLSI या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग या फिर कैडा स्कैडा या वॉट एवर हर जगह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे अपने ब्रांच की जो नॉलेज है वो है बट फॉर द कंप्लीट फंक्शनलिटी ऑफ माई इंजीनियरिंग आई वॉन्ट टू नो अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ ए हार्ड पार्टिकुलर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. हार्डवेयर पार्ट वो जिसे आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट वो जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते. ठीक है तो आप यहाँ तक बोलेंगे. उसके बाद बोलेंगे कि विदाउट विच हार्डवेयर नॉलेज इज नो वर्थ. मतलब कि अगर आप हार्डवेयर नॉलेज को जान रहे हैं बट अगर सॉफ्टवेयर नॉलेज को नहीं जान रहे तो हार्डवेयर नॉलेज का नो वर्थ है. मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ऐसा बोलना है. सो फॉर माई कंप्लीट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर इट इज नेसेसरी फॉर मी टू लर्न अबाउट इट. ओके मतलब कि कंप्लीट नॉलेज के लिए मुझे लर्न करना ही होगा जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है विदाउट ज्वाइनिंग ए IT इंडस्ट्री. बिकॉज जितने भी अभी के समय पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीजें हो रही है वो IT इंडस्ट्री से ही निकल के आ रही है. ठीक है तो यहाँ पे ये चीज इस सर्टेन से क्लियर हो गया कि मुझे वो नॉलेज को गेन करने के लिए IT इंडस्ट्री ज्वाइन करना ही होगा. एंड नेक्स्ट यू विल से दैट इट विल हेल्प मी टू कोरिलेट दिस टू डिफरेंट एरिया विच आर म्यूचुअली डिपेंडेंट टू इच अदर. म्यूचुअली डिपेंडेंट मतलब ये कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है. दिस इज अ काइंड ऑफ ए म्यूचुअली डिपेंडेंट टू इच अदर. ठीक है तो इस तरीके से कोरिलेट. गाइस बिलीव मी कि अगर ये आप आंसर देते हो तो फ्रेंकली स्पीकिंग आपका सिलेक्शन होना ही होना है. और इन दिस चैनल यू विल गेट वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक लाइक दैट DSA प्रोग्रामिंग MCQ एप्टीट्यूड रीजनिंग ये वो. और अभी तक जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग किया है काइंड ऑफ एनी डाउट दोज गाइज नो कि आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ देम डाउट्स काइंड ऑफ दैट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई. Thank you.